शीर्षक। नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अभ्यर्थी का इंटरव्यू आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार न्यायिक सेवा में चयनित है और उनका नाम है विवेक कुमार उपाध्याय। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले हैं और बहुत ही संघर्ष के उपरांत इन्हें सफलता मिली और इन पीसीएस 2018 के बैच में इनका चयन हुआ बिहार न्यायिक सेवा में और इनकी रैंक की 71। आज हम इनके सामने बैठे हुए हैं, अब इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। नमस्कार विवेक जी, आपका स्वागत है जेडीएस कंपटीशन में। पहले तो आप ये हमें बताइए कि आपने तैयारी शुरू कब की? 2012 में। 2012 और स्नातक की परीक्षा पास की, 2012 में तैयारी शुरू किया हमने। अच्छा, और आप पीसीएस जी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट विदेश स्नातक की। अच्छा, और तैयारी के किस उसमें आपने सफलता हासिल की? कितने अटेम्प्ट आपको लगे? चौथे प्रयास में सफलता हासिल। चौथे? इसके पहले भी आपने कोई इंटरव्यू दिया था? बिहार का इंटरव्यू दिया था और फिर हमने 2013-2015 में यूपी पीसीएस जी की परीक्षा का इंटरव्यू दिया था। तैयारी के दौरान आपको लगा होगा कि कुछ समस्याएं भी आती हैं मूल रूप से, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? समस्याएं हमारे ये थी कि हमें तो आर्थिक समस्याएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से उसकी समस्या है, संसाधनों की कमी थी। लेकिन यह है कि अगर आप विश्वास लेगा तो आप समस्या आपके आगे नहीं आती है, आप फाइनली सिलेक्ट होंगे। जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लड़के हैं जो इनके पास आर्थिक संसाधन की बहुत कमी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, कहीं आप घबराएं नहीं, सफलता आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता पे कदम चुकेगी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी की एक समस्या होती है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश की समस्या है, आपको इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए और किसी प्रकार की समस्या आपके आगे नहीं आएगी। और तैयारी के लिए अमूमन लोग दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, ये इन सब इन बड़े बड़े महानगरों में आते हैं, तो आपने क्या कहीं कोचिंग लिया? हम कहीं कोचिंग नहीं लिए, हम अपनी तैयारी गोरखपुर से कर रहे थे। इस कंप्यूटर के एरा में कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आत्मविश्वास है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते भी तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई, इलाहाबाद की आवश्यकता नहीं है। और आपने जब मेंस दिया था तो मेंस में कई कुछ पार्ट रहे होंगे, तो किस पार्ट पर आपने ज्यादा फोकस किया था? जनरल साइंस जो कि सबके लिए नेसेसरी है, और जीके ये, और मेजर एक्ट, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बिना इसके फोकस से सफलता मुश्किल है। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप ऑप्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजर एक्ट और जीके और जीएस पर, जनरल साइंस पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। और कोई बुक्स वगैरह का जो हमारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, बुक्स वगैरह कुछ सामान बुक्स है, जैसे लूसेंट का जनरल साइंस है, लूसेंट जनरल जीके का है, एक विशेषदास किताब आती है, विशेषदास की पतली सी किताब होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है इसकी, आप इसको सफलता हासिल कर सकते हैं छोटी सी किताबों से। अच्छा, इस पीसीएस की परीक्षा में करंट अफेयर का क्या योगदान है? मेन योगदान है, करंट अफेयर के बिना आप कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट है ये, इसके मार्क्स आपके परीक्षा में जुड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पे आपको इसे यूज करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो आपने कैसे इसको कवर किया? लूसेंट के जनरल साइंस के बुक से, लूसेंट के जनरल नॉलेज के बुक से, और बिहार के लिए एक विशेषदास की सांसी किताब आती है जो कि अब आउट ऑफ पब्लिश है, उसको भी मिलता है मार्केट में, उसको पढ़ने से आपकी जीके की और जीएस की समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है। मेनली करंट अफेयर की चर्चा आपके कर रहे हैं। करंट अफेयर अब इस समय बिहार में 60 से 80 नंबर तक आते हैं, उसके लिए आपका सामान गैर घट्टा चक्र, सामान गैर दर्पण, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, पेपर वगैरह क्या भूमिका है इसमें? न्यूज पेपर की भूमिका है, तो आप कॉन्टिन्यूस बनाए रखे, तो न्यूज पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उससे, जो करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं डे बाई डे। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे? इंटरव्यू की तैयारी हमने 3-4 मित्र थे, समूह बनाकर आपस में क्वेश्चन पूछकर हमने तैयारी की थी। और वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो किसका वोट था? ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का वोट था। क्या कोई क्वेश्चन आप बताएंगे क्योंकि आप क्या पूछा गया इंटरव्यू में? हमसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, बाद में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि लूट और डकैती में अंतर क्या है, लूट में कितने आदमी होते हैं, डकैती में कितने आदमी होते हैं, चोरी लूट में अंतर पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो क्या आपने जवाब दिया? चोरी लूट में क्या अंतर है? चोरी लूट में हमने बताया था कि चोरी में हिंसा का प्रयोग नहीं होता, लूट में हिंसा का प्रयोग होता है। लूट में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति होने चाहिए, चोरी में कितने व्यक्ति हो सकते हो, फिर लूट डकैती में अंतर हमसे पूछा गया, हमने उसको ही बताया। लगभग कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला था? 20 या 22 मिनट तक हमारा इंटरव्यू चला। कितना लगभग गेस, कितने क्वेश्चन पुट अप किए गए होंगे आपसे? 16-17 क्वेश्चन पूछे गए हमसे।
और कहीं ऐसा भी आपको महसूस हुआ कि आपने जवाब नहीं दे पाए? कितने क्वेश्चन का आपने एक जगह हमसे ऐसा महसूस हुआ कि रिसीवर की नियुक्ति हमसे पूछी गई थी, कब रिसीवर की नियुक्ति होती है, अगर रिसीवर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इसकी अपील कहाँ होगी, या रिसीवर अगर अयोग्य है उसकी नियुक्ति हो तो इसकी निगरानी कहाँ होगी, उस क्वेश्चन को हम नहीं बता पाए थे, हमको थोड़ी सी वहां समस्या हुई थी, फिर हमने सॉरी करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। और बोर्ड का नजरिया आपके प्रति कैसा था? बोर्ड का नजरिया हमारा सकारात्मक था, बोर्ड ने काफी कोऑपरेट किया था। आज सफलता के बाद में आप तो आप एक पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो हैं, और सफलता के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक सुखद अनुभूति हो रही है, इतने लंबे संघर्ष के बाद एक पद मिला है तो एक खुशी महसूस हो रही है, एक सुखद अनुभूति हो रही है। और जितने हमारे छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, आप उनको क्या संदेश देना पसंद करेंगे? धैर्य बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, निरंतर पढ़ते रहें, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, अगर आप लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे। धन्यवाद विवेक जी आपका, जेडीएस कंपटीशन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर का इन्होंने काम किया कि एक अत्यंत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हुए भी ये सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। आज मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और अपने जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत काम करेंगे, प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। आप लोग भी निरंतर संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप भी इनकी ऊंचाई को प्राप्त कर सके। नमस्कार, धन्यवाद।